हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है किनशिप। इससे पहले मैंने फैमिली और मैरिज के ऊपर वीडियो बनाई है। बेसिकली मैंने सोशल इंस्टीट्यूशन का कंसेप्ट शुरू किया था, सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं और सोशल इंस्टीट्यूशन के जितने भी टाइप्स थे उन सभी के ऊपर मैं एक एक करके वीडियो बना रहा हूँ। आज हम किनशिप के ऊपर वीडियो बनाएंगे। किनशिप होती क्या है, इसके टाइप्स, इसकी डिग्रीज, इसके करैक्टरिस्टिक्स और फंक्शन, जो भी मेन मेन चीज़ें हैं वो सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरुआत करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम सभी को पता है हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। वी ऑल नो वी लिव इन सोसाइटी, वी कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन। इन द सोसाइटी फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन वी बोर्न, जब हम जन्म लेते हैं उस दिन से लेकर टिल द डेथ तक हम लोग अपने चारों ओर बहुत सारे रिलेशंस को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो हमारे चाचा लगते हैं, मामा लगते हैं, दादा लगते हैं, पापा लगते हैं, मम्मी लगते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हमारे रिलेशंस होते हैं, ताया हमारे होते हैं इस सराउंडिंग में। जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर डेथ होने तक हमारे आसपास हम अपने बहुत सारे रिलेशंस के साथ घिरे हुए होते हैं। इन सभी रिलेशंस को ही हम लोग सिंपल भाषा में किनशिप बोल देते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैंने आपको सोशल इंस्टीट्यूशन पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था कि सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है एक सोशल स्ट्रक्चर जो तैयार किया जाता है लोगों के जरिए अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत तरह के सोशल स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, जैसे कि फैमिली, जैसे कि मैरिज, जैसे कि लॉज, जैसे कि एजुकेशन, जैसे कि किनशिप। ये सारे हमारे क्या हैं, टाइप हैं किसके, सोशल इंस्टीट्यूशन के। दीज ऑल आर टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ये सारे टाइप हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस के। तो मेरे दोस्तों, इतनी तरह के डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं। हमने फैमिली और मैरिज के ऊपर पहले ही डिस्कस कर लिया है, आज की इस वीडियो में हम किनशिप को कवर करेंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग किसी ना किसी तरह से हमारे रिलेटिव्स होते हैं। कोई हमारे भाई हैं, कोई हमारे सिस्टर हैं, कोई किसी की वाइफ होती है सोसाइटी में, कोई किसी का हस्बैंड है, कोई जो है वो सोसाइटी में चाचा है, नाना है, दादा है, दादी है। बहुत रिलेशन पाए जाते हैं, इन्हीं रिलेशंस को हम लोग किनशिप बोलते हैं। आगे जाएंगे जैसे वैसे टॉपिक क्लियर होता जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो अभी लाइक करें। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आता हूँ। तो प्लीज़ अभी लाइक कर दें, वीडियो को लाइक नहीं किया है। अगर चैनल में पहली बार विजिट किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। हम लॉ और सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस या बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ बनाते हैं। तो आज हम इसके अलावा अब आगे मीनिंग को डिस्कस करते हैं, क्या मीनिंग होता है हमारा किनशिप का। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं किनशिप के मीनिंग की बात करूं तो किनशिप कैन बी डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप विच डज एग्जिस्ट अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। आप ऐसा लिख सकते हो, इट मीन्स अ रिलेशनशिप विच डज एग्जिस्ट अमंग द members of society। आप ये बातें लिख सकते हो कि क्या होता है किनशिप। किनशिप इज बेसिकली रिलेशनशिप जो कि लोगों के बीच आपस में एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में। हम लोग ह्यूमन बींग सोसाइटी में जन्म लेते हैं, हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे का कोई रिलेटिव है। कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का मामा है, कोई किसी का पापा है, कोई किसी की मम्मी है, कोई किसी की चाची है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है। तो हर व्यक्ति दूसरे के साथ किसी ना किसी तरह से रिलेशनशिप में बंधा हुआ है और इसी रिलेशनशिप को हम किनशिप बोलते हैं, इसी चीज़ को हम किनशिप बोलते हैं। मेरे दोस्तों, किनशिप इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोशलाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बींग। मैंने सोशलाइजेशन पे वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखें। सोशलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है, सोसाइटी में जब बच्चा जन्म लेता है उसको कुछ पता नहीं होता सोसाइटी के बारे में,
सोसाइटी के बारे में, क्या कल्चर है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कस्टम है, ये सिखाने वाले उसके उसके मामा चाचा मम्मी दादी पापा ये सारे लोग होते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है जो सोसाइटी में किनशिप है, जो रिलेशंस हैं, वो बच्चे की सोशलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे को सिखाते हैं क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, कौन से रूल्स हैं सोसाइटी के, कौन से नहीं हैं। तो सोशलाइजेशन में भी किनशिप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस मीनिंग में ये भी एक पैरा सा बना के ले सकते हो। आप ये भी ले सकते हो कि जो किनशिप है दैट इज़ परमानेंट एंड यूनिवर्सल फिनोमिना। परमानेंट है क्योंकि रिलेशन हमेशा एग्जिस्ट रहते हैं सोसाइटी में। किनशिप जो कंसेप्ट है ये ख़त्म नहीं होता। दो हस्बैंड वाइफ मर जाते हैं, उनके बीच रिलेशन मर गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे हस्बैंड वाइफ यहाँ पे अभी भी हैं। तो किनशिप जो है ये कंसेप्ट ये परमानेंट है, ये कोई टेम्प्रेरी नेचर का नहीं है। आई होप आपको मीनिंग समझ आया होगा। अब आइए इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि क्या डेफिनेशंस है किनशिप की। मेरे दोस्तों, अगर मैं किनशिप की डेफिनेशंस की बात करूँ तो डिफरेंट स्कॉलर्स ने अपने तरीके से डिफाइन किया है। अगर हम मुर्डोक की बात करें, MURDOCK, मुर्डोक। मुर्डोक क्या बोलते हैं? इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप इन विच इंडिविजुअल आर बाउंड टू वन अनदर। क्या बोलते हैं मुर्डोक? कि किनशिप इज अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप है जिसके अनुसार हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के प्रति बंधा होता है, हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के लिए बाउंड होता है, बंधा होता है। किसी भी सेंस में आप इसको ले सकते हो कि जो मुर्डोक ने डेफिनेशन बोली है, बेसिकली इन्होंने रिलेशनशिप पे फोकस किया है कि ये एक स्ट्रक्चर टाइप ऑफ रिलेशनशिप होती है लोगों के बीच। अगर मैं रॉबिन फॉक्स की बात करूँ, बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन है रॉबिन फॉक्स की। ये बोलते हैं इट इज़ अ सिंपली रिलेशनशिप बिटवीन किन दैट इज अ पर्सन रिलेटेड बाई रियल पुटेटिव और फिक्टिव कॉन्सेंगिनिटी। क्या बोलते हैं? किनशिप का मतलब है रिलेशनशिप जो कि आपस में किन है, जो आपस में लोग रिलेशन में हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके बीच जो रिलेशन पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? या तो वो रियल पुटेटिव फादर की तरफ से या फिक्टिव कॉन्सेंग्युनिटी, मतलब कि लोग जो हैं वो ब्लड से रिलेटेड, ब्लड से आपस में मिले हुए हैं, या फिर वो जो है वो फिक्टिव ब्लड से। अडॉप्शन जैसे होती है, फॉर एग्जांपल अडॉप्शन में ब्लड रियल नहीं होता, अडॉप्शन किसी बच्चे की जाए तो वो बच्चा भी रिलेशनशिप में आएगा, किनशिप में आएगा, चाहे वो फिर बच्चा जो है वो रियल ब्लड का नहीं हो, तो वो फिक्टिव कॉन्सेंग्युनिटी आ जाएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरा बोलने का मतलब क्या है, इन दोनों डेफिनेशंस को अगर आप सिंपल से देखें तो इसमें फोकस किया गया है रिलेशनशिप के ऊपर। इन दोनों डेफिनेशन में मेनली रिलेशनशिप के लिए बोला गया है। जो मुर्डोक है वो भी ये बोलते हैं कि किनशिप का मतलब है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, और रॉबिन फॉक्स भी यही बोलते हैं किनशिप का मतलब है लोगों के बीच रिलेशन। क्यों रिलेशन पाया जाता है? या तो रियल ब्लड की वजह से, या अडॉप्शन के कारण जो ब्लड आता है बाद में, इन द सेंस कि किसी ने किसी का बच्चा अडॉप्ट किया तो वो बच्चा जो है वो उसका रियल ब्लड नहीं है, पर फिर भी फिक्टिव ब्लड है, एक काल्पनिक ब्लड है उसका। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ किनशिप। आई होप आपको समझ आ रही होंगी डेफिनेशन। आइए किनशिप की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या फीचर्स होती है किनशिप की। मेरे दोस्तों, अगर मैं किनशिप की करैक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स जो है किनशिप की वो ये बनती है कि जो किनशिप है इट इज़ यूनिवर्सल फिनोमिना। किनशिप जो है वो यूनिवर्सल फिनोमिना है, ये कोई एक पर्टिकुलर फिनोमिना नहीं है। किनशिप हर जगह विद्यमान होगी, जहाँ भी सोसाइटी है वहाँ सोसाइटी के लोगों के बीच रिलेशन पाए जाते हैं। वेयर देयर इज सोसाइटी देयर वुड बी कंसेप्ट ऑफ किनशिप, देयर वुड बी रिलेशन अमंग द पीपल इधर बाई ब्लड और बाई अडॉप्शन और बाई मैरिज। चाहे लोग मैरिज से आपस में बंधे हो, अडॉप्शन से आपस में बंधे हो, या ब्लड से आपस में बंधे हो, रिलेशनशिप होगा ही होगा। एक ह्यूमन बींग जब जन्म लेता है तब से लेकर जब तक उसकी डेथ नहीं होती तब तक वो रिलेशंस में बंधा रहता है। रिलेशंस में उसके रिलेशंस चारों तरफ उसको, उसके रिलेशंस होते हैं चारों तरफ। बोलने का मतलब क्या है, किनशिप जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का ये फिनोमिना नहीं है। जहाँ भी सोसाइटी है वहाँ पे किनशिप होगा ही होगा। दूसरा आप लिख सकते हो एंशेंट
किनशिप कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। जब से सोसाइटी चली है तब से किनशिप भी हो रहा है, तब से किनशिप का कंसेप्ट भी चला है। जैसे सोसाइटी बनी थी लोगों ने आपस में संबंध बनाए, रिलेशन स्टैब्लिश किए, आपस में एक दूसरे के चाचा मामा ताया, तभी से एक फीलिंग आने लग पड़ी। बेशक हमने ये वर्ड्स जो है चाचा मामा ताया ये सिविलाइज सोसाइटी में दिए होंगे, उससे पहले भी लोग आपस में रिलेटेड थे। जब लोग आपस में रिलेटेड थे तो कहीं ना कहीं किनशिप का कंसेप्ट पुराना है, ओल्ड टाइम से चला हुआ है। जब से सोसाइटी है तब से लोगों के बीच रिलेशंस हैं, तो ये कंसेप्ट नया नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो। तीसरा जो किनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो, परमानेंट। किनशिप कोई टेम्प्ररी सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, जो आज बना है कल खत्म हो जाएगा। ये एक परमानेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऐसा सोशल इंस्टीट्यूशन है जो आज बना नहीं, सदियों पुराना बना था, आज भी है, कल भी रहेगा। किनशिप होता है मतलब कि रिलेशनशिप जो लोगों के बीच एग्जिस्ट करते हैं। लोग मर जाते हैं, वो रिलेशनशिप वही रह जाते हैं। लोग मर जाएंगे, नई जनरेशन आ जाएगी, उनके बीच वो रिलेशन बन जाएंगे, फिर वो मर जाएंगे, फिर वो नई जनरेशन आ जाएगी, देन द न्यू रिलेशन वुड कम इंटू एग्जिस्टेंस अमंग द न्यू पॉपुलेशन, न्यू जनरेशन। व्हाट डज आई मीन टू से कि जो किनशिप है वो ख़त्म कभी नहीं होता, लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये परमानेंट है, ये लगातार चलता है। फोर्थ, आई होप मैंने ये सारे पॉइंट्स मैरिज और फैमिली में अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप फैमिली और मैरिज की वीडियो भी जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस हैं, आपको बहुत हेल्प होगी। चौथा हम लिख सकते हैं कि जो किनशिप है दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन। जो किनशिप है ये ना तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन है। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब है ये सोसाइटी में पाया जाता है, सोसाइटी में लोगों के बीच जो रिलेशन पाए जाते हैं उसी को किनशिप बोलते हैं। इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इट इज़ नॉट रिलीजियस, इट डजंट हैव एनी कनेक्शन विद द रिलीजन, इट डजंट हैव एनी कनेक्शन विद द पोलिटिकल सिस्टम, इट ओनली डील्स विद द पीपल इन द सोसाइटी। फिफ्थ आप लिख सकते हो सोशल सोशलाइजेशन। जो किनशिप है वो सोशलाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किनशिप जो है, रिलेशनशिप जो सोसाइटी में होते हैं, वो सोसाइटी के मेंबर को सोशलाइज करने में बहुत हेल्प करते हैं। सोसाइटी के मेंबर को बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। जो हमारे किन है, हमारे मम्मी पापा चाचा नानी दादा जो भी हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हमारे कल्चर क्या है, हमारे कस्टम क्या है। तो किनशिप इज़ वेरी रेलिवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोशलाइजेशन ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इन द सोसाइटी। एक और आप इसमें लिख सकते हो, किनशिप कैन बी बाय ब्लड और अडॉप्शन और मैरिज। जो रिलेशंस बनते हैं, जो किनशिप रिलेशन सोसाइटी में इस्टेब्लिश होते हैं, या तो ब्लड के माध्यम से इस्टेब्लिश हो सकते हैं, भाई बहन सगे भाई हैं, ब्लड का रिलेशन है, जैसे कि बड़ा भाई छोटा भाई, जैसे कि एक ही कुल के अंकल के बेटे और वन पर्सन उसके अंकल के बेटे, आपस में एक ही कुल का ब्लड है, तो ब्लड के जरिए आप रिलेशनशिप बना सकते हो, या अडॉप्शन के जरिए किसी ने कोई बच्चा अडॉप्ट किया, वो बच्चा उनका अपना बच्चा बन गया, वो बच्चा जो है वो औरों का भाई बन गया या बहन बन जाएगी वो बच्ची जिसको अडॉप्ट किया जाएगा, रिलेशन बन जाएंगे। तीसरा मैरिज, हस्बैंड वाइफ ने मैरिज करी और आपस में रिलेशन बन गए, अब हस्बैंड की फैमिली जो होगी वो वाइफ की फैमिली बन जाएगी, वाइफ की जो पहले वाली फैमिली होगी वो हस्बैंड की फैमिली बन जाएगी, आपस में रिलेशन बन जाएंगे। बोलने मतलब क्या हुआ कि किनशिप जो है वो ब्लड के माध्यम से भी रिलेशन बन सकते हैं, अडॉप्शन के माध्यम से भी बन सकते हैं, मैरिज के माध्यम से भी बन सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। सेवंथ पॉइंट आप एक और लिख सकते हो, सेवंथ पॉइंट आप लिख सकते हो डायनामिक। जो किनशिप कंसेप्ट है ये कोई स्टैटिक कंसेप्ट नहीं है, ये डायनामिक कंसेप्ट है, चेंज होने वाला कंसेप्ट है, ये हमेशा सेम नहीं रहा। पुराने टाइम पे चले जाओ, रिलेशंस कुछ और होते थे, आज नए नए रिलेशंस बनकर आ रहे हैं रिलेशंस। आज अडॉप्शन का कंसेप्ट आ गया है, पहले अडॉप्शन नहीं होती थी, बहुत कम अडॉप्शन होती थी, किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं किया जाता था, बच्चा भी अडॉप्ट हो रहा है, बच्चा जब अडॉप्ट होता है उसका अलग से रिलेशन बन रहे हैं। मतलब ये जो किनशिप कंसेप्ट है ये लगातार चेंज हो रहा है, टाइम टू टाइम लगातार रिलेशनशिप जो बन रहे हैं वो टाइम टू टाइम चेंज हो रहे हैं। पहले
सेम सेक्स मैरिज नहीं होती थी, सेम सेक्स मैरिज के रिलेशन को नहीं माना जाता था, अब सेम सेक्स के बंदे मैरिज कर रहे हैं उससे, उसके बाद क्या हो रहा है, उनके बीच अपना रिलेशन बन रहा है, तो वो भी किनशिप के अंडर आएगा। तो किनशिप का डायनामिक कंसेप्ट है, लगातार चेंज हो रहा है। आई होप आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक समझ आ गई होंगी। आइए अब टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, किनशिप के टाइप्स क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं किनशिप के टाइप्स की बात करूं तो किनशिप बेसिकली टू टाइप्स की हो सकती है। रिलेशंस बेसिकली जनरली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, जनरली दो टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। एक कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप, एक हो सकता है कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप, और दूसरा हो सकता है एफिनियल किनशिप। कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप में आप लिख लो बाई ब्लड जो रिलेशन बनते हैं, और एफिनल किनशिप का मतलब होता है बाई मैरिज, जो रिलेशन बाई मैरिज बनते हैं, जो रिलेशन बाई मैरिज बनते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखो तो या तो जो रिलेशंस बनते हैं सोसाइटी में वो ब्लड के माध्यम से बनते हैं, रिलेशनशिप जो फॉर्म होते हैं सोसाइटी में वो, दीज रिलेशनशिप आर इधर मेड बिकॉज ऑफ ब्लड और मेड विदाउट बिकॉज ऑफ मैरिज। मैं ब्लड में आता हूँ, सबसे पहले इस फर्स्ट टाइप पे आता हूँ। जब कोई एक व्यक्ति जन्म लेता है सोसाइटी में तो वो ब्लड की वजह से किसी का सन बना, जन्म लिया उसने किसी का, किसी से जन्म लिया तो मदर फादर उसके मदर फादर लगे, क्यों, ब्लड की वजह से सन है वो किसी का। उसकी कोई सिस्टर होगी, उसका वो भाई है तो वो भी ब्लड की वजह से बना। कोई चाचा है किसी का, ब्लड की रिलेशन है, कोई चाची चाचा है, ताया है कोई जो है, ब्लड में आपके रिलेशन आ जाएंगे, सन ब्रदर सिस्टर डॉटर अंकल एल्डर अंकल नेफ्यू फादर मदर ग्रैंड चिल्ड्रन। सन किसी का बच्चा, उसका भाई ब्रदर, उसकी सिस्टर, उसकी अपनी डॉटर, उसका अपना कोई अंकल, उसका कोई अपना बड़ा अंकल मतलब ताया जिसको आप बोलते हो, उसका कोई अपना नेफ्यू, उसका कोई अपना, उसका अपना फादर, उसकी अपनी मदर, उसके अपने ग्रैंड चिल्ड्रन। एक व्यक्ति है इस व्यक्ति का अपना सन, इस व्यक्ति की का अपना फादर, इस व्यक्ति की अपनी मदर, इस व्यक्ति की अपनी डॉटर, इस व्यक्ति की अपना अंकल, इस व्यक्ति का अपना एल्डर अंकल, इस व्यक्ति का अपना जो है वो नेफ्यू। ये सारे जो रिलेशन होंगे वो कॉन्सैन्ग्यूनियल रिलेशन होंगे। कॉन्सैन्ग्यूनियल का मतलब होता है ब्लड रिलेशन। किनशिप का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप। जब वो रिलेशनशिप बाई ब्लड होते हैं, वेन द रिलेशनशिप्स आर ड्यू टू ब्लड, आर बेस्ड ऑन ब्लड, देन दैट रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड द कॉन्सैन्ग्यूनियल रिलेशनशिप, कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप, कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप। आई होप आपको समझ आ रही होगी कि जब एक व्यक्ति दूसरे के साथ ब्लड की वजह से रिलेशन में आता है, ब्लड की वजह से रिलेट करता है, जब आपस में दो बंदों का रिलेशन है, क्यों, ब्लड की वजह से, खून का रिश्ता है, तो खून के रिश्ते के होने को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप। अब वो ऐसे कौन से कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप हो सकते हैं, या तो सन है कोई किसी का कोई फादर है, किसी की मदर है, डॉटर है, सिस्टर है, नेफ्यू है, एल्डर अंकल है। ये सारे रिलेशन किससे बनते हैं, ब्लड से बनते हैं, और ये कॉन्सैन्ग्यूनियल किनशिप में आते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। दूसरा आता है हमारा एफिनल किनशिप। एफिनल का मतलब होता है मैरिज। अब देखो, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मैरिज करता है तो जो ये मैरिज है, दिस इज नॉट ओनली द लीगल यूनियन ऑफ टू पर्सन, बट दिस इज आल्सो अ रिलेशन ऑफ टू फैमिलीज। दो फैमिली का रिलेशन होता है मैरिज। तो एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो दूसरी फैमिली के मेंबर्स बन जाते हैं, दूसरी फैमिली के मेंबर पहली वाली फैमिली के जिससे मैरिज हुई है उसके मेंबर बन जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, लड़का लड़की है, दोनों ने मैरिज करी, हस्बैंड की जो माँ होगी वो वाइफ की मदर बन जाएगी, सासू माँ मदर इन लॉ बन जाएगी, हस्बैंड के फादर वाइफ के फादर इन लॉ बन जाएंगे, हस्बैंड का ब्रदर वाइफ का ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, हस्बैंड की सिस्टर वाइफ की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी। वैसे ही वाइफ का जो ब्रदर होगा वो हस्बैंड का ब्रदर इन लॉ बन जाएगा, वाइफ की जो सिस्टर होगी हस्बैंड की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी, वाइफ की जो मदर होगी हस्बैंड की मदर इन लॉ बन जाएगी, वाइफ की जो
फादर होंगे, हस्बैंड के फादर इन लॉ बन जाएंगे। जब रिलेशन बनते, अब यहाँ पर रिलेशन बन रहे हैं आपस में, ब्लड का रिलेशन नहीं है, लेकिन मैरिज के बाद एक दूसरे को नए नए रिलेशन देखने को मिल रहे हैं, नए फादर बन गया, नई मदर बन गई। तो जब ऐसे नए नए रिलेशन बन जाते हैं किसकी वजह से, मैरिज की वजह से, उसको हम एफिनल किनशिप बोलते हैं। इन रिलेशन को एफिनल किनशिप बोला जाता है। आई होप आपको एफिनल का समझ आया होगा। कॉन्सैंग्यूनल किनशिप में क्या होता है, लोग आपस में रिलेशन बनते हैं ब्लड की वजह से, और एफिनल किनशिप में क्या होता है, रिलेशन बनते हैं मैरिज की वजह से। ये पढ़ने के बाद अब आइए डिस्कस करते हैं डिग्रीज के बारे में कि क्या डिग्रीज होती है किनशिप की। तो मेरे दोस्तों अगर मैं डिग्रीज की बात करूँ, डिग्रीज क्या होती है किनशिप की, तो बेसिकली तीन तरह की डिग्रीज होती हैं किनशिप की। देर आर थ्री डिग्रीज ऑफ किनशिप। फर्स्ट इज प्राइमरी डिग्री, प्राइमरी किनशिप। सेकेंड इज सेकेंडरी किनशिप। थर्ड इज टर्शियरी किनशिप। तो ये तीनों डिग्रीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा रिलेशनशिप का, कि एक तो बड़े क्लोज रिलेशन होंगे, एक थोड़े दूर के रिलेशन होंगे, एक बहुत दूर के रिलेशन होंगे। अब हम सोसाइटी में रहते हैं, एक तो मेरे मदर हैं, मेरे क्लोज हैं, क्लोज रिलेशन है। एक मेरे नानी जी हैं, थोड़ा दूर का रिलेशन है। एक मेरे पर नानी है, मेरे नानी जी के आगे मदर हैं, तो कितना दूर का रिलेशन हो गया। वैसे एक मेरे पापा जी हैं, क्लोज का रिलेशन है। एक मेरे पापा के पापा मेरे दादा हैं, रिलेशन तो है पर इतना क्लोज का नहीं रहा। एक मेरे पापा के पापा के पापा हैं, मेरे रिलेशन में तो हैं ही है ना, पर इतना क्लोज नहीं है, बहुत दूर का है। तो डिग्रीज में फ़र्क होता है। कुछ रिलेशन हमारे बहुत क्लोज के होते हैं, कुछ रिलेशन हमारे कम क्लोज के होते हैं, कुछ रिलेशन हमारे बिल्कुल क्लोज के नहीं होते, दूर के रिलेशन होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ प्राइमरी किनशिप की, तो प्राइमरी किनशिप में हम ये बोल सकते हैं कि देर आर सम रिलेशंस विच आर वेरी क्लोज, विच आर वेरी क्लोज, एंड दीज क्लोज रिलेशन आर कॉल्ड द प्राइमरी किनशिप। उन क्लोज रिलेशनशिप के लोगों को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी किनशिप में लेकर आते हैं। एक दुबे हमारे स्कॉलर डॉक्टर दुबे ने क्या बोला है कि आठ ऐसे रिलेशन है जो क्लोज रिलेशन बोले जाएंगे। आठ कौन कौन से, हस्बैंड एंड वाइफ। नंबर वन, ये आपस में क्लोज रिलेशनशिप माना जाएगा। दूसरा फादर एंड सन। तीसरा फादर एंड डॉटर। चौथा मदर एंड सन। पांचवा मदर एंड डॉटर। छठा सन ब्रदर एंड सिस्टर। देन एल्डर ब्रदर एंड एल्डर सिस्टर एंड सिस्टर। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, हाँ क्या बोला, ध्यान से दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। जो दुबे, डॉक्टर दुबे, उन्होंने आठ किनशिप को बोला हुआ है कि वो प्राइमरी में आएंगे, क्लोज रिलेशन में हम इन्हीं को मानेंगे। सबसे पहला है हमारा हस्बैंड एंड वाइफ। जो हस्बैंड एंड वाइफ है उनको क्या माना गया है, प्राइमरी किन माना गया है, प्राइमरी किनशिप क्लोज माना गया कि क्लोज में आते हैं डॉक्टर दुबे के हिसाब से। दूसरा है फादर एंड सन। एक फादर और सन, ये आपस में बड़े क्लोज हैं, ये भी प्राइमरी किनशिप में आते हैं। तीसरा फादर और उनकी डॉटर, अगर फादर उनकी डॉटर है तो वो भी प्राइमरी किन में आएगी। मदर और सन के भी जो रिलेशन है वो भी प्राइमरी किन में आएगा, मदर या उनके साथ में डॉटर है वो भी प्राइमरी किन में आएगी। ब्रदर और सिस्टर हैं, दो भाई बहन हैं, वो भी प्राइमरी किन में आएंगे। बड़ा भाई है और छोटा भाई है, वो भी प्राइमरी किन में आएंगे। बड़ी सिस्टर है और छोटी सिस्टर है, ये भी प्राइमरी किन में आएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, बोलने का कि प्राइमरी किन में वो रिलेशन आते हैं मेरे दोस्तों जो रिलेशन बड़े क्लोजिंग रिलेशन है, जो रिलेशन बड़े क्लोजिंग रिलेशन है। आप देख लो, हस्बैंड वाइफ, फादर सिस्टर, फादर फादर सन, फादर डॉटर, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, ये सारे क्लोज ही तो हैं, सबसे क्लोज यही तो होते हैं। हम अपने आप को देखें, मेरे क्लोज में क्या है, कौन कौन है, मेरे मम्मी जी, मेरे पापा जी, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरी बहन, यही तो मेरे क्लोज के रिलेशन है। तो इनको बोला गया है प्राइमरी किनशिप। अगर मैं सेकेंडरी की बात करता हूँ मेरे दोस्तों, तब डिग्री का फ़र्क आएगा। अब सेकेंडरी में कौन से रिलेशन आते हैं जो हमारे प्राइमरी नहीं हैं, मैं ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे प्राइमरी नहीं है लेकिन जो हमारे प्राइमरी थे उनके प्राइमरी हैं। हमारे प्राइमरी नहीं है पर जो हमारे प्राइमरी थे उनके प्राइमरी हैं। मेरे प्राइमरी कौन है, मेरे पापा मेरे प्राइमरी किन है, मेरे मम्मी मेरे प्राइमरी किन है, मेरा भाई मेरे प्राइमरी किन है, मेरे पापा मम्मी में लेकर चलो आप। अब मेरे पापा मम्मी हैं तो मेरे जो पापा जी हैं उनके भी प्राइमरी होंगे, उनके प्राइमरी कौन होंगे, उनके अपने पापा मतलब मेरे दादाजी, यहाँ पे उनके अपने मम्मी मतलब मेरे दादी जी, उनके अपने
भाई मतलब मेरे ताया जी, उनकी अपनी बहन मतलब मेरी बुआ जी, बोलने का मतलब क्या हुआ, जो हमारे प्राइमरी किन होते हैं, जो हमारे प्राइमरी किन होते हैं, उनके जो प्राइमरी किन होते हैं वो हमारे सेकेंडरी बन जाते हैं। यहाँ पे सेकेंडरी किनशिप में वो रिलेशन आते हैं जो हमारे लिए तो सेकेंडरी हैं, लेकिन जो हमारे प्राइमरी थे उनके लिए वो प्राइमरी हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो, ईच ऑफ प्राइमरी रिलेटिव्स ऑफ द इंडिविजुअल विल नेचुरली हैव देयर ओन प्राइमरी। ईच ऑफ प्राइमरी रिलेटिव of individual will have their own primary relatives and these are called the secondary for that particular person, their own primary relatives, and these are considered to be secondary relatives, and these are considered to be secondary relatives। आई होप आपको समझ आया होगा कि जितने भी हमारे जो प्राइमरी हैं उनके भी प्राइमरी तो होंगे आगे ना। मेरे पापा जी हैं, मेरे मम्मी जी हैं, मेरे प्राइमरी किन हैं। मेरे पापा के भी आगे प्राइमरी होंगे, मेरे पापा के भी मम्मी होंगे, मेरे पापा के भी भाई होंगे, मेरे पापा की भी बहन होगी। तो जो वो मेरे पापा के भाई, मेरे पापा के मम्मी, मेरे पापा की बहन, जो मेरे पापा के प्राइमरी हैं ना, वो मेरे सेकेंडरी होंगे। मतलब सेकेंडरी में कौन आएंगे, हमारे ग्रैंडफादर आ जाएंगे, हमारे सेकेंडरी में हमारे ग्रैंडफादर, हमारे ग्रैंड मदर। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि सेकेंडरी किन में क्या आता है, कि जो एक व्यक्ति के प्राइमरी किन होते हैं उनके जो प्राइमरी होते हैं वो उस व्यक्ति के सेकेंडरी किन माने जाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, इसके अपने फादर हैं, इस व्यक्ति के अपने फादर हैं और इस व्यक्ति की अपनी मदर है। फादर मदर हमने पहले पढ़ा, फादर मदर जो है वो ये सन है, मान लो ये सन। तो फादर मदर प्राइमरी किन होते हैं हमें पता है। अब ये जो मदर है इसकी भी कोई मदर तो होगी, ये जो माँ है इसकी भी कोई मदर होगी, इसकी भी कोई, इसका भी कोई फादर होगा, इसका भी कोई, इसका भी कोई जो है वो सिस्टर होगी, इनकी भी कोई सिस्टर होगी। ये मदर है, इनकी भी कोई जो है वो ब्रदर होगा, है ना, इनके भी कोई प्राइमरी किन तो होंगे। तो ये जो प्राइमरी किन हैं, इनके प्राइमरी जो किन हैं वो इस व्यक्ति के सेकेंडरी किन बन जाएंगे, इस व्यक्ति के मतलब सन के। मतलब एक व्यक्ति के लिए सेकेंडरी किन कौन होंगे, उसके मासी जी, उसके नाना जी, उसके नानी जी, उसके मामा जी। वैसे ही फादर की तरफ भी देख लीजिए, फादर है तो फादर के भी अपने फादर होते हैं, मतलब दादा जी, दादी जी, बुआ जी, ताया जी, चाची जी, चाचा जो है वो इसके सेकेंडरी किन माने जाएंगे। ये होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी किन क्या होते हैं, सेकेंडरी किन क्या होते हैं। अगर मैं टर्शरी किनशिप की बात करूँ तो अब देखिए प्राइमरी किन थे, प्राइमरी किन के अपने प्राइमरी किन थे, वो सेकेंडरी किन हो गए। अब सेकेंडरी के भी तो प्राइमरी होंगे, अब सेकेंडरी किन के भी तो प्राइमरी होंगे। अब अगर सेकेंडरी किन में फादर और मदर थे, मतलब नानी और नाना जी थे। आई होप आपको कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, आप लोग रिलैक्स होके सुनिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा डेफिनेटली। नाना नानी जो थे उनके भी तो आगे प्राइमरी होंगे, नाना का भी आगे पापा होगा, नाना का भी आगे मम्मी होगी, नाना का भी भाई होगा, नाना की भी बहन होगी, वैसे नानी के भी मम्मी पापा भाई बहन होंगे। तो जो हमारे सेकेंडरी के प्राइमरी होते हैं वो इस व्यक्ति के टर्शरी बन जाते हैं, तृतीय बन जाते हैं। मतलब बोलने का कि एक व्यक्ति के जो प्राइमरी होते हैं उनके जो प्राइमरी होते हैं वो उस व्यक्ति के सेकेंडरी होते हैं, और जो व्यक्ति के सेकेंडरी होते हैं उनके जो प्राइमरी होते हैं वो व्यक्ति के टर्शरी बन जाते हैं। तो टर्शरी में आप लिख सकते हो, दे आर द प्राइमरी किंग ऑफ आर सेकेंडरी किंग, दे आर द प्राइमरी किंग ऑफ आर सेकेंडरी किंग। जो हमारे सेकेंडरी किंग होते हैं उनके जो प्राइमरी होते हैं वो होते हैं हमारे टर्शरी किंग। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ब्रदर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर इज माई टर्शरी किन। ब्रदर इन लॉ ऑफ माई ब्रदर, मेरा भाई मेरा प्राइमरी है,
क्यों ये एग्जाम्पल टफ हो जाएगा, मैं आपको इजी एग्जाम्पल देता हूँ। इजी एग्जाम्पल देखो क्या हो सकता है, सेकेंडरी कौन है, मेरे नाना मेरे सेकेंडरी किन है, मेरे नाना मेरे सेकेंडरी किन है, द फादर ऑफ माई मदर फादर, फादर फादर ऑफ माई मदर मदर फादर, फादर ऑफ माई मदर फादर वुड बी माई टर्शरी किन, जो फादर हैं किसके, मेरी मदर के फादर के, मतलब मेरे माँ के पापा, मेरे नाना जी, मेरे नाना के जो पापा होंगे वो मेरे लिए टर्शरी किन होंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी किन के प्राइमरी किन है। आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक कंक्लूसिव सा बता देता हूँ आपको, प्राइमरी किन का मतलब होता है, डॉक्टर दुबे ने 8 किन बताए जो प्राइमरी में आएंगे, जो आपस में बिल्कुल क्लोज रिलेशन में बने होते हैं, दोज हु आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर बाई ब्लड, दे आर कॉल्ड द प्राइमरी किन, एंड सेकेंडरी किन आर द प्राइमरी किन ऑफ प्राइमरी किन, जो प्राइमरी किन होते हैं उनके जो प्राइमरी होते हैं वो हमारे सेकेंडरी होते हैं, और जो सेकेंडरी के प्राइमरी होते हैं वो हमारे टर्शरी किन होते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हमारे एक स्कॉलर है मुरडोक, मुरडोक ने क्या बोला है, मुरडोक ने बोला है कि 33 प्रकार के हमारे सेकेंडरी किन होते हैं, मुरडोक ने बोला है 33 प्रकार के सेकेंडरी किन होते हैं, और 151 प्रकार के हमारे टर्शरी किन होते हैं, मुरडोक ने बोला है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अगर ये समझ आ गया हो तो आइए थोड़े से फंक्शन डिस्कस करते हैं, किनशिप के फंक्शंस क्या होते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूँ किनशिप के फंक्शंस की, कि जो रिलेशंस होते हैं हमारी सोसाइटी में इनके फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहला फंक्शन तो बिल्कुल सिंपल सा है, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ स्टेटसेस एंड प्रॉपर्टी। जो सबसे पहला फंक्शन है हमारी सोसाइटी में किनशिप का, वो है ट्रांसफ़र करना स्टेटस को और प्रॉपर्टी को। हमारी सोसाइटी में हर एक व्यक्ति का अपना स्टेटस होता है, हर एक व्यक्ति का अपना स्टेटस होता है, अपनी उनकी प्रॉपर्टी भी सोसाइटी में होती है। तो जो रिलेशन होते हैं, जो हमारे रिलेशनशिप में आते हैं लोग, उनसे हम क्या करते हैं, हम अपनी जो हमारी प्रॉपर्टी है हम अपने रिश्तेदारों को देते हैं। एक फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देता है, एक मदर अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। मेरा बोलने का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है किनशिप के माध्यम से, रिलेशंस में ही तो प्रॉपर्टी बनती है। कोई एक व्यक्ति बिना विल बनाए मर जाए, बिना वसीयत बनाए मर जाए, तो उसकी प्रॉपर्टी उसकी रिलेशंस में ही जाएगी। सबसे पहले क्लोज रिलेशन में जाएगी, प्राइमरी किन में जाएगी, प्राइमरी किन नहीं होंगे तो सेकेंडरी किन में जाएगी, सेकेंडरी किन नहीं होंगे तो टर्शरी किन में जाएगी, जाएगी तो किन्स में ही, जाएगी तो नातेदारों में ही, जाएगी तो रिलेशंस में ही। तो पहला फंक्शन जो है हमारा किनशिप का वो है ये है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना। वैसे स्टेटस एक, अगर आप पुराने टाइम पे देखो सोसाइटी में एक व्यक्ति का स्टेटस होता था, एक राजा अपने बच्चे को राजा बनाता था, एक जमींदार अपने बच्चे को जमींदार बनाता था, अपना जो स्टेटस था अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करता था। तो जो रिलेटिव्स होंगे उन्हीं में तो स्टेटस ट्रांसफ़र होगा। तो पहला फंक्शन ये है किनशिप का, ट्रांसमिशन ऑफ स्टेटस एंड प्रॉपर्टी। दूसरा आप लिख सकते हो सोशलाइजेशन। तो अगर मैं सोशलाइजेशन की बात करूं, इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मैंने वीडियो भी अलग से बनाई है, जरूर देखें। सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है उसको कुछ पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, क्या सोसाइटी के कल्चर है, क्या सोसाइटी के कस्टम है, क्या नॉर्म्स है, क्या वैल्यूज़ है, कुछ उसको पता नहीं होता है। लैंग्वेज क्या होगी सोसाइटी में उसे कुछ पता नहीं होता है। सिखाने वाले कौन है, डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं हमारे पास, फैमिली है, पीर ग्रुप है, हमारे कॉलेज है, स्कूल है, इन सभी चीज़ों से बंदा सीखता है, सोसाइटी में सोशलाइज होता है। तो सोशलाइजेशन के लिए किनशिप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके जो क्लोज किन है मदर फादर, वो उसको बहुत कुछ सिखाते हैं। उसके जो और क्लोज उसके बाद सेकेंडरी किन है या टर्शरी किन है, उसके नाना पर नाना, दादा पर दादा, दादी, ये सारे उसको बहुत कुछ सिखाते हैं, क्या सही है क्या गलत है उसको सिखाया जाता है। दादी की कहानियाँ, नानी की कहानियाँ बच्चे सुनते हैं, उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो किनशिप का दूसरा फंक्शन है बच्चे का सोशलाइजेशन करना, बच्चे को एक सोशल एनिमल बनाना, सोसाइटी में कैसे रहना है वो सिखाना। तीसरा जो किनशिप का फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, तो मेरे दोस्तों सोसाइटी में
सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे किनशिप है, वो हमारे कल्चर को भी ट्रांसफ़र करते हैं। जो उनको कल्चर पता होता है सोसाइटी का, वो अपने नए न्यू बॉर्न बच्चों को कल्चर ट्रांसफ़र करते हैं। जो उनके पास कल्चर होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स उनको पता होते हैं, सोसाइटी के कस्टम पता होते हैं, हमारे सोसाइटी में कैसे शादी होगी, कैसे बच्चे जो हैं वो बड़े होंगे, उनकी ग्रोथ कैसे कराई जाएगी, उनको क्या सिखाया जाएगा, क्या उनको नहीं सिखाया जाएगा, तो ये सारा जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में हम लोग धोती कुर्ता लगाएंगे या पैंट जीन्स लगाएंगे, या हम किसको कैसे सलाम करेंगे, किसको कैसे हम लोग नमस्कार करेंगे, ये सारा जो हमारा कल्चर है सोसाइटी का। सोसाइटी का कल्चर क्या होता है, ये आइडेंटिटी सोसाइटी की होती है तरह से। इसके ऊपर वीडियो अलग से बनाई है मैंने कल्चर के ऊपर, प्लीज़ वीडियो जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी आपके लिए अगर आपको कल्चर का कंसेप्ट आपके पेपर में है, और वैसे भी कल्चर के बारे में पता सभी को होना चाहिए। तो कल्चर को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हमारे रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फोर्थ आप देख सकते हो, फैमिली फंक्शंस। तो अगर फैमिली फंक्शन की बात की जाए, तो फैमिली के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करती है जब फैमिली मैरिज होती है, और भी बहुत सारी सेरेमनीज होती हैं, रिलीजियस सेरेमनीज, तो उन फंक्शंस में किनशिप बहुत ही पूर्ण रोल प्ले करते हैं। हमारे रिलेटिव्स हमारे घर आते हैं, वो अपना पार्टिसिपेशन वहाँ करते हैं, और हम लोग फंक्शन को अच्छे से सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये थोड़े से फंक्शन जो है किनशिप के, वो समझ आए होंगे। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि सोशल ग्रुप्स, फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, कि जो किनशिप है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सोशल ग्रुप को बनाने के लिए। सोसाइटी में किनशिप के माध्यम से बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं। ग्रुप का मतलब क्या है, लोगों का समूह जो किसी पर्पज़ के लिए बनाया जा सकता है, या किसी पर्पज़ के लिए ना भी बनाया जाए पर लोगों का समूह होता है। तो किनशिप जब आपस में इकट्ठे मिलते हैं, रिश्तेदार आपस में इकट्ठे आते हैं, तो बहुत सारे सोशल ग्रुप बनते हैं। मदर फादर और सन डॉटर का अपना ग्रुप, फैमिली ग्रुप बन गया, कुछ लोगों का अपना आपस में अलग से वो ग्रुप्स बना लेते हैं। तो सोशल ग्रुप को बनाना भी किनशिप के फंक्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आई होप आपको समझ आया होगा। लास्ट में टॉपिक में आपने कंक्लूजन जरूर लिखना है। कंक्लूजन में जो बातें आपने ऊपर लिखी हैं, वो सारी थोड़ी थोड़ी करके आपने इकट्ठा एक पैरा बनाकर कंक्लूड जरूर करना है अपने आंसर को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।